नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न, ये सरल रेखा रेखा का मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ। रेखाएँ वाई बराबर 3 तथा वाई बराबर एक्स रूट 3 प्लस 9 के बीच न्यून कोण क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए वाई एक्स रूट 3 प्लस 9 है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसे, y बराबर यम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। मान लीजिए m1 है, यहाँ दो समय कर दिया है और एक दिया है y बराबर 3, तो इसका भी तुलना करिए यम टू एक्स प्लस सी। यहाँ m1 कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है और यहाँ m2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि x का गुणांक है नहीं। यहाँ इसको 0x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर m का गुणांक जो है, m1 का गुणांक क्या है, रूट 3 है। x के जगह जो है x का गुणांक क्या है, रूट 3 है, यानी m1 का मान इतना आ गया, ठीक है, रूट 3, और m2 का मान 0 आ गया। अब कह रहा है बीच न्यून कोण है, तो जब बीच न्यून कोण है तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र हम लगाएंगे। ये होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मान रख देंगे, m1 का मान रूट 3 है, m2 का मान 0, यहाँ 1 रूट 3 0 हो जाएगा। देखिए m1 का मान रूट 3 हो गया, m2 का मान यहाँ 0 हो गया, यहाँ रखेंगे, यहाँ भी यहाँ रख देंगे। अब आ जाएगा ये tan थीटा बराबर रूट 3 बटा 1, यानी tan थीटा यह आ गया रूट 3। टेन थीटा का मान रूट 3 आ गया, किसका कोण रूट 3 मान है, ये टेन थीटा टेन 60° का है, क्या है, थीटा का मान आ गया ये 60°। तो उनके बीच का न्यून कोण क्या है, 60° है। ये इस प्रकार ये हाल हो गया। उस रेखा की प्रवणता जो बिंदु 3-2 माइनस 3 और माइनस 2 को मिलाती है वह क्या होगा, उस रेखा की प्रवणता जो बिंदुओं 3-2 माइनस 3 और 2 को मिलाती हो क्या होगा। तो देखिए ऐसे में जो है प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसका सूत्र होता है प्रवणता बराबर क्या होता है, देखिए प्रवणता बराबर होता है, उस फार्मूले में रख देना है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ इसको मान लीजिए आप x1 y1 है और यहाँ इसको मान लीजिए x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ m का मान, y2 का मान क्या है यहाँ पर, -2 है, क्या है यहाँ पर, -2 है। y1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है। x2 का मान क्या है, -3 है, और x1 का मान क्या है, 3 है, -4 -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m बराबर 4/6, 2 × 4 2 × 3 6, यानी 2/3, यही प्रवणता आ जाएगा। इस प्रकार यह हल हो गया। ये देखिए कह रहा है समीकरण 6x + 5y + 7 = 0 का लंब रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसका ये लंब रूप पूछ रहा है, लंब रूप क्या होगा, तो देखिए इसको लंब रूप ज्ञात करने के लिए 6x + 5y + 7 है तो इसको इधर कर दीजिए, -7 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणांकों का वर्ग करके जो है, दोनों गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ 6 या 5 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसका गुणांक x है तो यहाँ 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 6 स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर जोड़ देंगे, 6 × 36 5 × 5 = 25, ठीक है। दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो 6x + 5y / √6² - 7 है ना, तो माइनस अभी नहीं 5² हो गया, -7 है, तो यहाँ जो है हम -7 यहाँ रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ भी दे रहे हैं। अब यहाँ से इसको हम अकेले ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x / √6² + 5² + 5y / √6² + 5² इधर जो है ये इतना तो है, ये है, इसको अकेले अकेले लिख दिए, ठीक है। अब इधर माइनस है तो माइनस हम जब इसमें दोनों पक्ष में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
क्योंकि माइनस से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं भाग, तो माइनस हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, और तो 6x ये हो जाएगा 6 6 36, 5 5 25, 61 हो जाएगा अंडर रूट में 61। यहाँ 5y, यहाँ भी अंडर रूट में 61, और यहाँ भी माइनस नहीं है प्लस है, 61 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ ये हो गया, ये इसका लंब रूप हो गया, ये हल हो गया। अगला देखिए, यदि किसी सरल रेखा जो अक्षों पर ए और बी के बराबर अंतःखंड काटती है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी हो तो क्या होगा। यदि किसी सरल रेखा जो अक्षों पर ए और बी के बराबर अंतःखंड काटती है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी हो, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मूल बिंदु से जो है रेखा का समीकरण क्या होता है, मूल बिंदु से लंब, मूल बिंदु से रेखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर एक पर, देखिए इसमें ए बी है, ठीक है, यानी अक्षों पर ए बी है ना, तो ही एक्स बटा ए हो गया, वाई बटा बी हो गया, पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, तो लंबाई जब इस पर डाले गए लंब की लंबाई, इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे ले लेंगे, एक माइनस एक्स बाई ए वाई माइनस बी बराबर जीरो, इधर पी मान लेते हैं, ठीक है, हमने इस चीज़ को उधर कर लिया। अब यहाँ जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, ये हो जाएगा जीरो बटा ए, जीरो बटा बी, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वन बाई बी का, यह मूल बिंदु से पढ़ रहा है ना, यानी जीरो जीरो से पढ़ रहा है, क्या है, जीरो जीरो से, यानी मूल बिंदु जो है जीरो जीरो होता है, ठीक है, जीरो जिस पढ़ रहते हैं एक्स की जगह जीरो हो गया, वाई की जगह क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो गया सीधा हमारा पी बराबर वन बटा, ये आ गया एक बटा ए का होल स्क्वायर प्लस वन बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ वर्ग कर देंगे, पी स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ से जो है हम ये जब इसका दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ पी स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में था वन बाई पूरा वन बाई करके, तो ये भी स्क्वायर हट गया, वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, ये इस पी की जगह चल गया और पी इसके जगह चल गया, वन बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा रेखा इतना के समांतर वह क्या है, ठीक है, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा रेखा इतना के समांतर वह क्या है। तो यहाँ देखिए इसका जो है समांतर रेखा का समीकरण याद करेंगे, 3x प्लस 7y प्लस 11 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण, तो 3x प्लस 7y हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए कह रहा है कि यह जो है मूल बिंदु से गुजरती है, क्या कह रहा है, मूल बिंदु से गुजरती है, यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यानी जीरो जीरो से गुजरती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × x की जगह 0 हो जाएगा और 7 y की जगह 0 हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 0 प्लस लेमडा, यानी लेमडा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मान यहाँ रख देंगे तो यही समीकरण हो जाएगा, 3x प्लस 7y प्लस लेमडा, यहाँ 0 बराबर 0, यानी 3x प्लस 7y बराबर 0, यही जो है समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हल हो गया।
ये देखिए दिया प्रश्न, मूलबिंदु से सरल रेखा x माइनस रूट थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो पर खींचे गए लंब द्वारा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया हुआ कोण क्या होगा। तो मूलबिंदु से सरल रेखा पे कह रहा है, ठीक है, खींचे गए लंब द्वारा x अक्ष के जो है साथ धनात्मक दिशा में बनाया हुआ कोण क्या होगा। x माइनस रूट थ्री वाई प्लस फोर बराबर जीरो है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको घाटा इधर कर देंगे, 75 कर देंगे, ठीक है, ये संख्या इतना हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक क्या है, एक है, और यहाँ क्या है, रूट थ्री है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में एक का होल स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर, अंडर रूट में एक का स्क्वायर और रूट थ्री का ही होल स्क्वायर करके देखेंगे कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तीन आ जाएगा इसका, ये चार आएगा, यानी दो आ रहा है। समीकरण के दोनों पक्षों में दो से भाग देंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर तो x बटा टू हो गया, रूट थ्री बाई टू हो गया, यहाँ चार बटा दो हो गया। देखिए दोनों में भाग दिए हैं ना, दे सकते हैं x बाई टू, यहाँ ये y है, सॉरी भूल गए, रूट थ्री बाई टू वाई यहाँ आ जाएगा, माइनस टू आ गया। जब भी अगर ऐसा आ जाएगा समीकरण, तो कोई प्रश्न ऐसा आएगा तो आप इसी तरह से अब लगाइएगा, सबसे पहले इसको पक्षांतर कर दीजिए, फिर यहाँ एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक जो है इसे निकाल लीजिए, और दोनों पक्षों में जो आ रहा है उससे भाग दे दीजिए, दो आया, दो से हमने भाग दे दिया, ये हो गया। अब यहाँ से जो है बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ इतना देने के बाद जो है हम इसको तुलना करेंगे, इसकी तुलना किसे करेंगे, हम एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा पी से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ से कॉस अल्फा का मान क्या आएगा, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, वन बाई टू, यानी कॉस अल्फा का मान आएगा एक बटा दो, ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस था ना, तो माइनस एक चीज़ हमने नहीं किया, वो कर देना चाहिए, माइनस से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। ऐसा जो है माइनस से यहाँ इधर इधर वाला जो है बायां पक्ष धनात्मक बना लेना चाहिए, ठीक है, तब जो है ऐसा करना चाहिए। अब ये इधर हो गया, ठीक है, इधर ये बायां पक्ष जो होता है यह दायां पक्ष धनात्मक बना लेना चाहिए, क्योंकि धन हो गया, यह इधर जो भी आता है उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके पहले भी मैं प्रश्न हल किया हूँ, तो इसको इधर के क्या किया हूँ, इधर बायां वाला पक्ष को जो है यहाँ ऋणात्मक बनाया हूँ जो भी है, और दायां वाला पक्ष को धनात्मक बनाया हूँ। जैसे कभी भी कोई समीकरण अगर मान लीजिए आ रहा है इसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर मान लीजिए सी आया है, ठीक है, तो आपको अगर ऐसे में हल करना है इस प्रकार जो दिया है कि जो है खींचे गए लंब द्वारा एक्स के साथ धनात्मक दिशा में बनाया हुआ कोण क्या होगा, तो आप सबसे पहले इसमें सब दोनों पक्षों में माइनस से भाग दे दीजिए, ए एक्स हो जाएगा माइनस माइनस बी वाई, ये प्लस सी हो जाएगा। इस रूप में जो है आप बना करके जो है तब यहाँ से तुलना करेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कॉस अल्फा और इतना हो गया माइनस एक बटा दो, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई दो हो जाएगा, साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई दो। जब इतना हो गया तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो टेन अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का मान ऊपर हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान एक बटा दो हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, ये ऋणात्मक है एक मान, तो यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ रेड थ्री आएगा। अब देखिए ये रेड थ्री किस में जा रहा है, टेन अल्फा, तो ये जाएगा टेन एक सौ अस्सी माइनस साठ, ठीक है, टेन एक सौ अस्सी माइनस साठ माइनस टेन साठ हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये टेन अल्फा टेन एक सौ बीस, यानी अल्फा का मान एक सौ बीस आ जाएगा। इस प्रकार ये हल हो गया। अगला देखिए प्रश्न दिया है, बिंदु ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा से रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो बिंदु इतना से जो है इतना पर डाले गए लंब की लंबाई कह रहा है, तो यहाँ जो हम क्या करेंगे, लंब की लंबाई डालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, ये कितना है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी है, तो एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब बिंदु इतना से इस पर डालेंगे हम, ठीक है। तो जो है हम डालते हैं ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई क्या हो जाएगा इसमें, एक्स की जगह रखेंगे एक्स की जगह ए कॉस अल्फा और वाई की जगह ए साइन अल्फा रखते हैं, ठीक है। चलिए डाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ये ए कॉस अल्फा, ऑलरेडी एक्स कॉस अल्फा यहाँ था तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और वहाँ यहाँ ए साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्योंकि एक साइन साइन अल्फा यहाँ ऑलरेडी था और यहाँ से एक जा रहा है, ठीक है। माइनस पी, और नीचे क्या होता है आप जानते हैं, एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का होल स्क्वायर, तो एक्स का गुणांक कॉस अल्फा है इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ वाई का गुणांक साइन अल्फा है तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों में है ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस पी बटा यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में एक हो जाएगा इसका करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ये, यानी इसका मान भी एक होता है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ए माइनस ए पी यही जो है होगा। ये देखिए दिया है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, दो सरल रेखाओं के समीकरण हैं, इन रेखाओं के बीच कोण की माप क्या है, ठीक है। इन रेखाओं के बीच के जो है कोण पर पूछ रहा है कितना होगा, तो ऐसे प्रश्न को बहुत आसानी से यहाँ भी हल करेंगे। हम यहाँ दिया है यहाँ एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो दिया है, तो यहाँ से वाई बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, और इसकी तुलना हम किसे करेंगे यम वन एक्स प्लस सी से, ठीक है। यम वन मानेंगे क्योंकि इसमें दो रेखाएँ हैं ना, तो इसको अगले को हम जो है एम टू मान के हल करेंगे, और यहाँ ये दिया है एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो, तो यहाँ वाई निकालेंगे तो ये दो हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसकी तुलना क्या करेंगे y बराबर m2 x से तुलना करेंगे, तो यहाँ m1 क्या हो जाएगा पहला रेखा, यहाँ x का गुणांक क्या है एक है, यहाँ m2 का क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। जबकि कह रहा है कि इन रेखाओं के बीच का कोण माप ज्ञात करना है, तो जब इतना आप ज्ञात कर लिए तो अब क्या करेंगे हम m1 इंटू m2 निकालेंगे, तो जब यहाँ रखेंगे तो एक माइनस एक गुणा होगा तो माइनस एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रेखाएं क्या है परस्पर लंबवत है, क्योंकि इसमें जो है दोनों का जो है पूर्णता का गुणांक जो है माइनस एक आ रहा है, ठीक है। इनकी बोझ इनके बीच के कोण कितना हो जाएगा ये 90 अंश होगा, क्या होगा कोण जो है 90 अंश होगा, इस प्रकार यह कोण जो होगा 90 अंश बनेगा। अगर नहीं आपको मालूम पड़ता तो इस सूत्र से भी लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर यम वन माइनस यम टू वन प्लस यम वन इंटू एम टू, इसमें भी रखेंगे तो 90 अंश आएगा, देख लीजिए। ऐसे मान लीजिएगा आपको नहीं आता है तो ये इसका वन इसका मान एक है, एम टू का मान माइनस एक है, यहाँ एक प्लस वन माइनस वन गुणा हो रहा है टेन थीटा, टू हो गया माइनस माइनस यहाँ वन माइनस, अब दो बटा जीरो इसका मान क्या हो गया, ठीक है, यहाँ दो बटा जीरो आ रहा है तो यहाँ हो गया अनंत, यानी टेन थीटा अनंत यानी थीटा का मान हो गया 90 अंश हो गया, ठीक है। तो 90 अंश का कोण बनाएगा, ये देखिए है देखिए दिया है दो रेखाएं जो बिंदु 6 और माइनस 4 से गुजरती हैं जिनके अंतःखंडों का योग 12 है, उनमें से एक समीकरण क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया है दो रेखाएं जिनमें जो बिंदु 6 माइनस 4 से गुजरती हैं, देखिए इसमें दिया है कि जिनके अंतःखंडों का योग 12 है, तो मानेंगे यहाँ इसको ऐसे प्रश्न को हल करके माना यक्ष अक्ष से कटा अंतःखंड ए हो जाएगा, और वाई अक्ष से अंतःखंड यह हो जाएगा 12 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके योग के रूप में दिया है ना, देखिए अंतःखंडों का योग 12 है तो पहला ही हो जाएगा दूसरा इतना हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको लिखेंगे रेखा का समीकरण,
तो यक्स बाई ए होता है प्लस वाई बटा बी बराबर एक होता है। तो यहाँ यक्स बाई ए दूसरा माने हैं, वाई बटा यहाँ 12 माइनस ए है पहला, इतना माने हैं देखिए ठीक है। और वाई अक्ष पर इतना माने हैं तो बी की जगह इतना हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा ठीक है, इतना हो गया। अब ये कितना से गुजरती है देखिए, दिया है 6 और माइनस 4, बिंदु 6 और 4 से गुजरती है यह रेखा। बिंदु 6-4 से गुजरती है ठीक है, तो यक्स की जगह क्या हो जाएगा 6, बट यहाँ हो जाएगा वाई की जगह माइनस 4, 12 माइनस ए बराबर एक, यानी 6 बटा ए माइनस 4 बटा 12 माइनस ए, इतना हो जाएगा ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ए 12 माइनस ए हो जाएगा, ए से भाग दिए कट गया, 12 माइनस ए 6 में गुणा हो जाएगा, 12 माइनस ए माइनस है, 12 माइनस ए से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, माइनस 4 ए हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा, 6 12 माइनस ए 4 ए, यहाँ ए 12 माइनस ए हो जाएगा ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 12 6 72, 6 ए आ गया, 4 ए आ गया, 12 ए, ए स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब देखिए 72 6 ए क्या हो जाएगा 10 ए, 12 ए माइनस ए स्क्वायर, 6 दूना 12 6 72 हो गया, ए में गुणा हुआ तो 6 ए हो गया, और इधर 4 ए है ये है ठीक है इसमें। अब यहाँ से ये 6 ये 4 ये 10 ए हो गया, 72 हो गया। अब हम इसको ए स्क्वायर को इधर लाते हैं और 12 ए को इधर लाते हैं, माइनस हो गया ऑलरेडी 10 ए इधर है ये है, प्लस 72 ए स्क्वायर, 10 10 20 22 हो गया, प्लस 72 बराबर 0 हो गया ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 18 4 18 6 72 18 4 22 हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, तो 18 प्लस 4 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 18 6 72 हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है, 18 ए 4 ए प्लस 72, तो यहाँ से ये कॉमन लेंगे, ये माइनस 18 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 18 बराबर 0, अब ए माइनस 18 दोनों में कॉमन है तो ये माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0, ए माइनस 18 बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 18, और ए माइनस 4 बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, ए का 2 मान आ गया ठीक है। यदि यदि ए बराबर 18 हम लें, यदि ए बराबर 18 लें ठीक है, तो वाई अच्छे से अंतःखंड क्या होगा, तो वाई अच्छे से अंतःखंड क्या होगा, माने थे 12 माइनस ए माने थे, तो 12 एक जगह क्या हो जाएगा 18 रख देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा -6 आ जाएगा ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तब रेखा का समीकरण जो होगा, रेखा का समीकरण यक्स बाई ए 18 हो जाएगा, ए का मान कितना आया है यहाँ 18 आया है, 18 हो जाएगा, और वाई का मान कितना आएगा यहाँ आ जाएगा वाई बटा 6 आ जाएगा बराबर, यहाँ से जो है 1 आ जाएगा ठीक है, इतना हो गया। यानी इसको हल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ 6x 18y 6 18 हो जाएगा ठीक है, यानी यहाँ से x 6 3 18 18 इतना आ जाएगा ठीक है, ये हो गया। अगर हम लेंगे एक बार यहाँ लिए बराबर 18, अब ए बराबर हम लेंगे इसमें से कितना लेंगे 4 लेंगे, जब ए बराबर 4 लेंगे तब क्या होगा, जब ए बराबर यदि ए बराबर 4 तब क्या हो जाएगा, वाई अच्छे से अंतःखंड कितना होगा, वाई अच्छे से अंतःखंड क्या हो जाएगा, 12 माइनस ए था तो 12 माइनस यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 8 हो जाएगा ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से अब रेखा का जो है समीकरण क्या होगा, यक्स बाई ये कितना था 4, कितना लिए हैं 4, और वाई
बी का मान कितना है, 8 आया, बराबर कितना आया, 1 है। अब इसको हल कर लीजिए, 8x प्लस 4y, 4 × 8 हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 × 8x, y इधर हो जाएगा 8, समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है हल हो गया। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।